हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 5 क्वेश्चन 20 कंसेप्ट के अंदर। जो हमारा एनवीएस सेंटर एग्जाम है उसका 2019-20 का जो टीजीटी एग्जाम है उसकी डिस्कस करेंगे, जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव। जो ह्यूमन ह्यूमन के अंदर कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 2, 4, 3 या फिर 6। एंड हमारा राइट आंसर है 4। जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ओरिकल की बात करें तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है सबसे पहले थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। देन राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड टू द लंग्स वेयर इट बिकम ऑक्सीजनेटेड। देन उसके बाद राइट ओरिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ब्लड जाता है लंग्स में, देन वहां पे क्या होता है, ब्लड प्योर होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द हार्ट बाय द पल्मोनरी वेन। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करता है लेफ्ट ओट्रियम में। From the left atrium, blood flow into left ventricle. Pulmonary veins के through जो oxygenated blood है, वो हमारा left atrium में enter करता है, then वहां से through bicuspid wall left ventricle में जाता है, then left ventricle से जो blood है वो pump होता है हमारी aorta में, और वो oxygenated blood then aorta के through then arteries के through हमारी पूरी body parts में सप्लाई होता है। तो ये है हमारे हार्ट का साथ के साथ प्रोसेस और 4 चैम्बर क्या क्या वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जुलाई 2019 डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन एवर टू विन गोल्ड इन 100 मीटर रेस एट द 2019 समर यूनिवर्सिटी हेल्ड एट नेपोली इटली। तो ऑप्शन है हमारे दुती चंद, हिमा दास, रानी रामपाल एंड हिना संधू। तो आप लोग देख सकते हैं जो एथलेटिक्स की बात करें अगर हम, ठीक है, रनिंग इवेंट ट्रैक इवेंट की बात करें, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अंदर जो हमारी दुती चंद है वो 100 मीटर की है, देन जो हमारी हिमा दास है वो 400 मीटर की है, रानी रामपाल हॉकी एंड हिना सिंधु शूटिंग की है। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, बिल्कुल सही, दुती चंद, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हुई है, 100 मीटर रेस की। तो दुती चंद स्प्रिंटर है, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था टाइमिंग के साथ, जो इनकी टाइमिंग थी 11.32 सेकेंड। हिमा दास जिनको ढींग एक्सप्रेस भी बोला जाता है और इनका इवेंट है 400 मीटर। रानी रामपाल जो हॉकी की प्लेयर है और 2020 के अंदर इनको राजीव गांधी खेल रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है, इनको ये अवार्ड भी दिया गया है। हिना सिंधु इनका इवेंट है 10 मीटर एयर पिस्टल, ये किसकी प्लेयर है, शूटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द गेम ऑफ वॉलीबॉल, इट इज ओरिजिनली कॉल्ड मिंटोनेट। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे वॉलीबॉल की बात हो रही है और जिसको पहले मिंटोनेट के नाम से जाना जाता था, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर ही आपका एक आंसर आपको मिल गया है कि वॉलीबॉल को पहले मिंटोनेट के नाम से जानते थे। अब जो वॉलीबॉल है वो किसने इन्वेंट की, जेम्स नेस्मिथ, विलियम जी मॉर्गन, लूथर गुलिक एंड हर्बर्ट स्पेंसर। एंड हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, विलियम जी मॉर्गन। जो जेम्स नेस्मिथ है इन्होंने इन्वेंट की थी बास्केटबॉल, विलियम जी मॉर्गन ने इन्वेंट की थी वॉलीबॉल।
अब हमेशा जो स्टूडेंट है वो इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जे स्मिथ ने बास्केटबॉल और विलियम जी मॉर्गन ने वॉलीबॉल, तो इनमें कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इजी सा, बिल्कुल इजी सी ट्रिक है, वॉलीबॉल को किस नाम से जाना जाता है, मिंटोनेंट से, एम से मिंटोनेंट, एम से मॉर्गन, तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। लूथर गुलिक ही डिजाइन अ ट्रायंगल लोगो, जो हमारा YMCA का लोगो है जो ट्रायंगल में है, वो इन्होंने ही डिजाइन किया था, स्पिरिट माइंड एंड बॉडी। उसके साथ साथ गुलिक ने वर्क किया है जेस नेस्मिथ के साथ, बास्केटबॉल को सपोर्ट किया है पूरे, मतलब सेपरेट करने के लिए उन्होंने जेम्स नेस्मिथ को भी सपोर्ट किया है। हर्बर्ट स्पेंचर की बात करें तो इनकी प्ले थ्योरी जानी जाती है सरप्लस एनर्जी थ्योरी, जो स्पेंसर एंड सिचलर दोनों के नाम से जानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड टू डेवलप ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री बाय एंटिटीज अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड टाइटल्ड, स्पोर्ट्स प्लेयर्स के अलावा जो खेलों को बढ़ावा देते हैं उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किस अवार्ड से सम्मानित करती है, भारतीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, भारतीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, या फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो राइट आंसर है हमारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये स्टार्ट हुआ था 2009 से, और ये प्लेयर के अलावा जो भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी कंपनी या कॉरपोरेशंस जो भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं उनको दिया जाता है। और 2020 में जो ये दिया गया था, जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये कुछ कैटेगरीज में दिया जाता है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड न्यूट्रिंग ऑफ बर्डिंग एंड यंग टैलेंट, तो इस कैटेगरी में मिला था लक्ष्य इंस्टीट्यूट एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को। द सेकंड कैटेगरी है एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये अवार्ड गया था ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन थर्ड कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, ये जो अवार्ड है गया था एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। एंड लास्ट है हमारा स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, तो ये गया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जो किन किन इंस्टीट्यूट को कॉर्पोरेशन को मिला है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द इनसाइड डायमीटर ऑफ बास्केटबॉल रिंग शुड बी बिटवीन, जो हमारा बास्केटबॉल का रिंग है उसका डायमीटर क्या है, इनसाइड डायमीटर। ऑप्शंस है हमारे 4, 4, 5 mm, 4, 5, 5 mm, देन उससे 4, 6, 6 mm, 4, 40 mm से 4, 50 mm, 4, 50 mm से 4, 60 mm, तो राइट आंसर है हमारा 4, 50 mm से 4, 60 mm। जो रिंग का डायमीटर होता है, देखिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है डायग्राम में, 0.45 मीटर, या कह सकते हैं 45 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 4, 50 mm, ठीक है, डिपेंड ऑन यू। देन उसके बाद है जो हमारा रिंग नेट लेंथ है हमारी, जो वो है 45 सेंटीमीटर एज इट इज, जितना डायमीटर उतनी ही रिंग नेट की लेंथ है। नंबर ऑफ लूप्स की बात करें, इसके अंदर 12 होती हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन रिंग एंड सॉरी डिस्टेंस बिटवीन रिंग टू बोर्ड, देखिए ये हमारा बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड आपको पता है, ठीक है, जैसे ये पोल है इसके ऊपर ये हमारा बोर्ड होता है, देन इसके बाद हमारा रिंग होता है, तो जो ये डिस्टेंस है ये है हमारा 0.15 मीटर। देन डिस्टेंस बिटवीन एंड लाइन टू मिडल ऑफ द रिंग, रिंग का जो मिडल पार्ट है यहाँ से और हमारी एंड लाइन का डिस्टेंस है जो, वो कितना है यहाँ से एंड लाइन का, तो ये होता है हमारा 1.575 मीटर।
नो चार्ज सेमी सर्कल फ्रॉम मिडल ऑफ द रिंग। देखिए अब यहाँ पे आपको रिंग के पास ये छोटा सा सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा नो चार्ज एरिया, ये होता है 1.25 मीटर का एक सेमी सर्कल। एंड अगर हाइट ऑफ बास्केटबॉल रिंग की बात करें तो वो होती है हमारी 10 फीट। तो बास्केटबॉल के रिंग के अकॉर्डिंग जितनी भी मेजरमेंट थी वो आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, एंड टेलीग्राम पे से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के अंदर आपको बहुत सारे PDF मिलेंगी, MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड कराया जा सकता है। और अगर आप लोग योगा में इंटरेस्टेड लगते हो तो सर सिखाते हैं @yogathanik, इनका इंस्टाग्राम ID है, और आप इनसे डायरेक्ट वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर 6 to 7 AM मॉर्निंग में फ्री योगा क्लासेस देते हैं, अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।